हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 23 अप्रैल 2019 की प्रीलिम्स बेटर सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस, फिर देखते हैं आज की न्यूज़। पहला जो क्वेश्चन है वो है जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में, ये JNV को लेके। इसमें पहला स्टेटमेंट ये है कि 50% जो सीटें हैं JNV की वो बेसिकली रूरल चिल्ड्रंस के लिए, मतलब स्टोर है, रिजर्व है, वो की जाएंगी। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि जो JNV है, जो जवाहर नवोदय विद्यालय है, वो रन या चलाए जाएंगे किसके द्वारा? नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अंतर्गत। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि जो सीट है वो SC और ST कम्युनिटी के बच्चों के लिए भी रिजर्व हैं, वो की जाएंगी। ये यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो, जो जवाहर नवोदय विद्यालय है ना, इसमें बेसिकली जो 75% सीटें हैं ना वो रिजर्व की जाएंगी किसके लिए? रूरल एरिया के लिए। और फिर उसमें भी रिजर्वेशन होगा SC और ST कम्युनिटी के जो बच्चे हैं उनको, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जहाँ पे स्कूल लोकेटेड है वहाँ पे भी उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट गलत है, तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और दूसरा भी बिल्कुल सही है कि इनको गवर्न या चलाया जाएगा नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा, जो कि ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अंदर एक ऑटोनोमस बॉडी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एलिफेंटा केव के बारे में। पहला स्टेटमेंट है कि यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि स्कल्पचर ऑफ वाइल्ड बोर डोमिनेट द एंट्रेंस टू वन द केव इन एलिफेंटा, मतलब एलिफेंटा केव का जो एंट्रेंस है ना वहाँ पे वाइल्ड बोर का मतलब होते हैं जंगली सुअर। ये जंगली सुअर है ना, उसकी जो मतलब पिक्चर है या स्कल्पचर है, मूर्तियाँ हैं, वो डोमिनेटेड है एंट्रेंस लेवल पे। तो देखो, दूसरा स्टेटमेंट साफ साफ गलत है, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कि फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन रिसेंटली नेम्ड एज वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर। तो ये आप सोचिए क्या होगा। ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आपको केवल हिंट्स दे सकता हूँ, ये बेसिकली साउथ अमेरिका की एक सिटी है, साउथ अमेरिका का एक शहर है। आपको बताना है कि कौन सी है वो सिटी कैपिटल। बस अब आपको मैंने हिंट्स दे दिया है, अब आपको बताना है कि साउथ अमेरिका की कौन सी सिटी है या कौन सी देश की कैपिटल है जिसको कि आर्किटेक्चर या वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर का दर्जा भी दिया गया था 2020 के लिए। तो ये का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इंटरनेशनल फ्लैट रिव्यू 2019 को लेके। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि एक तरह की परेड है जो कि नेवल शिप, एयरक्राफ्ट और सबमरीन है, इनके लिए ऑर्गेनाइज की जाती है। इसका मोटो होता है कि गुडविल को प्रमोट किया जाए, इसके साथ ही स्ट्रेंथ, जो कोऑपरेशन है, आपसी सहयोग है, इसको इम्प्रूव किया जाए, और जो भी अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन की, इसको मतलब शोकेस, इनको दिखाने के लिए, प्रदर्शनी के लिए इसका आयोजन किया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इसे कंडक्ट किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा और विशाखापट्टनम कोस्ट के द्वारा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। हमें पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखो, जैसा कि पहला स्टेटमेंट है वो यहाँ पे बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि यह अभी चाइना के द्वारा ऑर्गेनाइज है, वो की गई है, ना कि इंडिया की नेवी द्वारा। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, फर्स्ट इसका राइट आंसर वो यहाँ पे होगा। नेक्स्ट जो आज की न्यूज़ है, सबसे पहले वो है असम अकॉर्ड को लेके। क्या है कंटेक्स्ट वो भी हम डिस्कस करेंगे, पहले हम देखते हैं असम अकॉर्ड है क्या। देखो, आपको जैसे पता है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर यह मेनली आसाम है, वो मेन स्टेट है, और आसाम के अंदर जो ही भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद ही बांग्लादेश से काफ़ी सारे माइग्रेंट्स, काफ़ी सारे रिफ्यूजीज़ के इश्यूज़ हैं वो सामने को देखने को मिल रहे थे। तो बेसिकली 1985 में आसाम अकॉर्ड है, आसाम एग्रीमेंट है, वो साइन हुआ था किसी के बीच में? आसाम की गवर्नमेंट और इसी के साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट, या हम बोल सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के बीच में। तो यह एक तरीके का मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट है जो कि साइन हुआ था इंडिया और आसाम की जो मूवमेंट है या वहाँ के जो लीडर्स हैं इनके बीच में साइन हुआ था। अब इस अकॉर्ड का मोटो ये था कि भाई जो बांग्लादेशी 1966 से लेके 1971 से पहले हम बात करें इंडिया में आए हैं, मतलब 1966 से 1971 के बीच में जो भी बांग्लादेश के लोग इंडिया में आए हैं उनको कोई भी वोटिंग राइट है वो नहीं दिए जाएंगे 10 साल के लिए कम से कम। क्यों? क्योंकि आसाम की डेमोग्राफी बदल रही थी, तो इसीलिए काफ़ी बड़ा इशू वहाँ पे आ गया था और वो साइन हुआ था असम अकॉर्ड 1985 में, मेनली साइन है हुआ था। ईयर यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि 1966 से 1971 के बीच में जो भी आए थे, मतलब बांग्लादेशी लोग, उनको कोई भी वोटिंग राइट यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब देखो, जो आसाम अकॉर्ड है ना, इसका एक क्लॉज 6 है। क्लॉज 6 ये बेसिकली क्या कहता है वो थोड़ा हम देख लेते हैं, जो भी न्यूज़ में था। ये क्लॉज 6 है ना आसाम अकॉर्ड का, ये कहता है कि भाई साहब,
ठीक है, जो भी बाहर से आए वगैरह, चलो कोई बात नहीं, उसको तो आपको वापस भेजना ही है बाहर, माइग्रेंट्स हैं जो भी हैं, बट आपको जो आसाम के लोग हैं उनकी जो भी कल्चरल साई वैल्यू है या उनकी जो भी सोशल वैल्यू है या जो लिंग्विस्टिक उनकी आइडेंटिटी है, हेरिटेज है, उसको आपको प्रमोट करना है और प्रिजर्व करना है, और इसी के साथ ही उसको प्रोटेक्शन भी देनी है। ये कहता है इसका लॉ 6, तो ये थोड़ा भी ध्यान में रखना, काफ़ी न्यूज़ में है। अब हमें देखते हैं कि भैया न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में देखो अभी ये है, आपको बताऊंगा, आज के लिए काफ़ी बिल विवाद में रहता है, वो मेनली है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016। इसका आसाम मेनली काफ़ी पुरजोर से विरोध कर रहा है। क्यों? क्योंकि इससे अगर बिल को एक्ट बना दिया जाएगा तो आसाम की डेमोग्राफी, या आप बोल सकते हो कि आसाम के जो लोकल पर्सन है उनको काफ़ी खतरा है कि भाई बांग्लादेश के लोगों को यहाँ पे मान्यता है रहने को वो मिल सकती है। ये है मेनली मुद्दा। अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 क्या कहता है? ये कहता है कि भाई अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान है ना, यहाँ पे जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है, वहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है, यहाँ पे मेनली माइनॉरिटी कम्युनिटी है हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन। तो बेसिकली बात करें जो 6 धर्म है जो कि हमारे पड़ोसी देश तीन, मतलब बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में माइनॉरिटी में है, उनको एक तरीके से हमारे देश में अगर वो माइग्रेट के तौर पे आ रहे हैं तो उनको सिटीजनशिप है वो दी जाएगी। इसके लिए कुछ नॉर्म्स इजी करने की बात है, जैसे कि एक तो ये प्रावधान है कि अगर इन तीन देशों से हमारे जो माइनॉरिटी के जो लोग आ रहे हैं, ये 5-6 माइनॉरिटी के लोग हैं, अगर ये इंडिया में आते हैं तो अगर वो यहाँ पे 5 या 6 साल तक रहते हैं तो ही उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अदरवाइज हमारे संविधान में क्या है कि कम से कम कोई बाहर का पर्सन इंडिया में रह रहा है तो वो 11 साल रहेगा, उसके बाद ही उसको भारत की एक तरीके से जो हम बोल सकते हैं कि सिटीजनशिप पर नागरिकता वो दी जाती है। बट इन तीन देशों के लिए जो यहाँ पे कम्युनिटी है, हिंदू हुए, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, इनके लिए थोड़े नॉर्म्स हैं वो इजी किए गए हैं। इसी के साथ ही यहाँ से जो भी माइग्रेंट्स आते हैं इन 5-6 कम्युनिटी से, उनको मतलब यहाँ पे माइग्रेंट्स का दर्जा एक तरीके से उनको जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो इसमें एक तो विरोध ये उठता है कि भाई जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको क्यों नहीं दिया जा रहा, और काफ़ी सारे और पॉलिटिकल डायमेंशन भी हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है क्या और क्यों इसका विरोध है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है काकापो के बारे में। एक काकापो है, ये देखो एक तोता है, हम बात करें पैरोट की, एक स्पीसी प्रजाति एक तरीके की, और यह न्यूजीलैंड में पाया जाता है। तो पहले तो इसके कुछ फीचर्स हम देख लेते हैं। देखो ये नाइट पेरोट के नाम से भी इसको मेनली जाना जाता है, या इसे ओल पेरोट यानी कि उल्लू तोते के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका वैसे साइंटिफिक नाम है वो यहाँ पे है स्ट्रिगोप्स हर्पलिया, तो ये नाम आपको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए कि है कहाँ पे। इंपॉर्टेंट बात क्या है, IUCN की हम बात करें प्रोटेक्शन में, तो इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखा गया है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो केवल न्यूजीलैंड में ही है इंडेमिक है, मतलब केवल न्यूजीलैंड वाले हिस्से में ही है पाया जाता है। बाकी इसके और फीचर्स हम बात करें तो यह उड़ नहीं सकता, और निशाचर मतलब अंधेरे में रात को जलता है, या रात को यह मतलब मूवमेंट है वो करता है, वो दुनिया का सबसे मोटा तोता है और उड़ नहीं सकता है। ये इसके कुछ बेसिक फीचर हैं, तो UPSC इसके बारे में कई बार पूछ सकती है। कंटेक्स्ट ये था कि भाई जो एक काकापो तो तोते की प्रजाति है ना न्यूजीलैंड में, इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है वो भी देखने को मिली है क्लाइमेट चेंज होने के बावजूद भी। मतलब ये है कि क्लाइमेट चेंज का इस तोते की प्रजाति पे पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ जो हम न्यूजीलैंड में जो क्लाइमेट चेंज हुआ है ना, इसकी वजह से वहाँ पे रेमू के ट्री हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस हुए हैं, बम्पर क्रॉप पैदा हुई है, और वहीं पर ये तोता मेनली रहता है, तो इसलिए इसकी जो ग्रोथ है, इसकी जो हैचिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हुई है। तो उसी को लेके भी न्यूज़ है वो आई कि भाई क्लाइमेट चेंज का इस तोते की प्रजाति पे काफ़ी अच्छा इफेक्ट है वो देखने को मिला है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है ओलिव रेडली टर्टल को लेके। ओलिव रेडली टर्टल है वो IUCN की वनरेबल लिस्ट में है। इनकी अगर बात करें हैबिटेट की, तो ये देखो वार्म और ट्रॉपिकल जो वाटर वाला एरिया है पैसिफिक इंडियन ओशियन में और एटलांटिक ओशियन में, वहाँ पाए जाते हैं। UPSC बोल सकती है कि भाई ओनली इंडियन ओशियन में है, नहीं भाई एटलांटिक ओशियन, पैसिफिक और इंडियन तीनों में ये पाए जाते हैं मेनली। इनका जो कलर है वो ओलिव कलर का वो कलर होता है, इसलिए इनका नाम है ओलिव रेडली टर्टल। और इनके साथ ही एक ऑपरेशन भी चलाया गया था जिनका नाम है ऑपरेशन ओलिवा। ऑपरेशन ओलिवा का मतलब ये है कि भाई ओलिव रेडली जो टर्टल है ना, इनके लिए प्रोटेक्शन दी जाएगी इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। इसके साथ इनका जो मैचिंग पीरियड या ब्रीडिंग सीजन होता है वो होता है विंटर्स टाइम में, और ये मेनली कार्निवोर्स मतलब ये सर्वाहारी होते हैं,
सर्वाहारी कौन से होते हैं? जो शाकाहारी मांसाहारी दोनों का मतलब कंज्यूम है वो करते हैं। ये जो स्नेल हुए, क्रेब हुए, जेलीफिश है, श्रिम्प है, इन सबको खाते हैं। इसी के साथ ही एल्गी और जो सीवीड होती है समुद्री घास, इनको भी ये कंज्यूम है वो करते हैं। अगर और हम बात करें नेस्टिंग साइट्स की इंडिया में, तो देखो ओल्डी रेडली टर्टल की इंडिया में नेस्टिंग साइट कौन कौन सी हैं। एक तो है आंध्र प्रदेश में, तो यह हमें ध्यान में रखना है। कहाँ पे? होप आइलैंड है, जो कहाँ पे है? कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है यहाँ पे गहरी मेथा बीच, जो कि उड़ीसा में है। तीसरा है यहाँ पे अस्तरंगा कोस्ट, जो कि उड़ीसा में है। चौथा है यहाँ पे रुशिकुलिया रिवर, जो कहाँ पे है? उड़ीसा में ही है। देवी रिवर है वो कहाँ पे है? ये भी उड़ीसा में ही है। तो देखो मेनली उड़ीसा में तो है ही है, बट आंध्र प्रदेश में भी एक वो इंपॉर्टेंट है, ये होप आइलैंड है ना, जो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे भी इनकी नेस्टिंग, यहाँ बात करें एक जो इनकी ब्रीडिंग है वो होती है। तो यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है। तो देखो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।